नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज आपके साथ में एक इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक घर तक आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 2-3 दिन से मैं एक केस के मामले में अपने कुछ साथियों के साथ लगातार भागदौड़ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा अपने चैनल रॉयल सोल्जर पर 2-3 दिनों से वीडियोज़ भी नहीं आई हैं। तो काफ़ी सारे पुलिस दोस्तों के साथ जब मैं घूमा बातें करी तो एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई, मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए ताकि आप भी बच सकें। आप जानते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जहाँ पे फैमिलीज में एक एक दो दो लोग रहते हैं, वर्किंग लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, अपने वर्क प्लेस पर निकल जाते हैं ताला लगा के, उसके बाद घर में पीछे से ताला टूट जाता है, चोरी हो जाती है, सेंध लग जाती है। पहले आपके घर की रैकी की जाती है कि घर में कोई बिल्डिंग में सीसीटीवी तो नहीं है। जिसके घर में बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है, सबसे ज़्यादा शिकार वही लोग होते हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। तो सीसीटीवी आप ज़रूर लगवाएं। उसके अलावा आपके घर में ये तो नहीं 24 घंटे कोई बैठा रहेगा चोर देखने के लिए कि भैया कब गया है, कब आएगा। पहले वो देखता है कितने फैमिली मेम्बर्स है, कब कौन कहाँ आता है, कब जाता है, वो पूरी नज़र रखते हैं, उसके बाद वो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। और यदि आप स्कूटर से गाड़ी से जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी नहीं है तो आप घर में होंगे कि नहीं होंगे। वो ऑब्जर्व करते हैं कितने लोग थे, कितने लोग निकल रहे हैं, कभी आपकी बैल्कनी में देखते हैं कितने घर में लोग हैं, फिर कितने निकले। तो अक्सर जो एक फार्मूला नया अपनाया जा रहा है इन चोरों के द्वारा, डकैतों के द्वारा जो घर में ताले तोड़ के चोरी कर रहे हैं, वो क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको समझा दूँ। अक्सर हमारे घरों के बाहर पहले ये ऐसे कुंडी ताले वाले ताले लगा रहा करते थे। ईजिली चोर समझ जाया करता था कि घर में ताला लगा मतलब कोई नहीं, ईजिली जाओ ताला तोड़ो और चोरी करो। लेकिन आजकल घरों में ऐसे स्मार्ट लॉक्स आ गए जो डोर में ही ऑलरेडी फिट होते हैं, तो इसमें पता नहीं चल पता चोर को कि यार घर में कोई अंदर है कि नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं वो देखने और समझने वाली बात है। देखिए ज़रा, ये मेरा एक डोर है, एक ये डोर है, एक डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप आराम से जा रहे हैं कि चलो भैया मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, घर पे लॉक करके आप सपोज अकेले रहते हैं, तो पीछे से चोरी करने का उसका जो तरीका है वो क्या, वो कैसे पता लगेगा कि घर में कौन अभी गया है। ये देखिए, हो सकता है आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हो, वाइफ हो, ओल्ड एज पेरेंट हो, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग मैन घर से निकल जाता है तो उसको लगता है कि आसानी से हम घर पे जाके लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो फैमिली में बोले कभी भी दरवाज़ा ना खोलें। ये देखिए, आप ये पीछे से गए, आपके घर में इस तरीके से धागा लगा दिया जाएगा, एक ग्लू से चिपकाया गया ताकि बहुत ज़्यादा टेप ना दिखे, मकड़ी का जाला लगेगा आपको, और जैसे ही आप जाओगे ये खुल के गिर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऑब्जर्वेशन कर चुका आपका चोर। और आपके जाने के बाद वो बिल्डिंग में चक्कर काटेगा किसी ना किसी बहाने से, जब देखेगा खुल गया है इसका मतलब घर से निकल चुके हो, मौका लेके फटाफट से आपका ताला तोड़ेगा और काम तमाम कर जाएगा। वैसे आप जानते हैं मेरे घर में इतने स्ट्रॉन्ग डॉग्स हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह, जिनके होते हुए मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्या आपके घर में पेट्स हैं जिनके बदौलत आप जिस मर्जी सिचुएशन में घर को बेखौफ छोड़ जाएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी एक अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको खास ज़रूरत है इस अलर्टनेस की। बाकी अपन तो फ़कीर है भाई, देसी लोग, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भैया अगर ऐसा करेंगे तो मैं काम पे जाना छोड़ दूं, घर से जाना छोड़ दूं, नहीं, बिल्कुल जाएंगे आप। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, प्लीज़ एक नज़र मार लें अपने घर की चौखट पर या जिस भी गेट पर आप उसको बंद करते हैं, मेन गेट, कि उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है सस्पेक्टेड। एक बार पूरे फ्रेम को ज़रूर देख लें, हो सकता है इससे जो चोर है वो अपने इरादे में नाकामयाब हो जाए। और यदि आपको ऐसा कुछ दिखता है तो या तो आप मेरी तरह होंगे कि भैया पुलिस से तो बाद में निपटेंगे, पहले मैं निपट लूँ, तो लेके हाथ में लठ बैठ जाएंगे फिराक में कि कब आता है बेटा आज तो तेरे को मैं ही देख लेता हूँ, या फिर आप कॉल करेंगे पुलिस को कि ऐसे ऐसे चीज़ हुई है। तो अब कैसे निपटना है वो आपके ऊपर है, मैंने आपको एजुकेट कर दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और पहली बार यदि आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यही मिलते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस परिवार का अभिन्न अंग बन सकते हैं, जो हमेशा से देश हित में, राष्ट्र हित में और आपकी सेफ्टी के लिए वीडियोस बनाता रहता है। और सब्सक्राइब करने के बाद और प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन वाला निशान ज़रूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुँच जाए। फ़र्क नहीं पड़ता यार, काफ़ी बिजी था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए भी बहुत दिन हो गए हैं। मिलूंगा आपसे जल्द, ख्याल रखिएगा अपना, गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।